अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कारकला। एक्चुअली ये जहाँ हम रहते हैं ना, अभी जहाँ मेरा ससुराल है उतना कारकला से अंदर है, मतलब 15-20 मिनट लगता है। तो अभी यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए ऑटो रिक्शा देखे आ गया है। तो अलीना बहुत एक्साइटेड है ऑटो में बैठने के लिए, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। 2 साल से मैंने ऑटो में नहीं बैठा है। और पीछे मेरी देवर देवरानी वो जा रहे हैं बाइक में, क्योंकि सब लोगों का नहीं हो पाएगा, ऑटो में कम जगह है। और हम लोग ऑटो में जाएंगे, फिर साथ में ज्वाइन करेंगे। और बहुत एक स्पेशल चीज़ मिलता है वहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आपको, वो बहुत ही टेस्टी होता है। वहाँ जाके दिखाती हूँ वो क्या है। तो चलिए हमारे साथ। सो वी बोर्डेड ऑन ऑटो रिक्शा। हाँ, वो लोग पे दिखाते हैं ना, लोग नई साइड तो नहीं दिख रहे। तो 2 साल के बाद ट्रैवल कर रहे हैं ऑटो रिक्शे में, बहुत मजा आ रहा है। और बच्चों लोग बहुत अच्छे, कैसा लग रहा है और यार विशु अलग लग रहा राइड वाला राइड। एक्चुअली मैं अलीना के लिए ना कुछ स्लीपर्स वगैरह लेने हैं, जो छोटे हो गए वो भी लेना है, थोड़ा बहुत सामान लेना है हम लोगों को। कुछ तो भूल कर आ गया है दुबई में, याद ही नहीं था, मेरा पूरा मेकअप रह गया दुबई में, कुछ मैंने लेकर नहीं आया है। तो मेरी देवरानी से मांग के मैंने लिपस्टिक लगाया है अभी। तो बस अभी जा रहे हैं वहाँ पे, फिर दिखाती हूँ कारकला कैसा है। जहाँ पे जा रहे हैं वो जगह का नाम है कारकला, तो दिखाती हूँ वो कैसा है। कोलकाता अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ से भाषा डिफरेंट है, कपड़ा पहनने का स्टाइल डिफरेंट है। बस यही, बाकी सब सेम है। खाना भी डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस है। नारियल नहीं खाता हम लोग, खा रहे हैं कोई जाते हैं कदा भी जाते हैं सब। हाँ, चलो जाएंगे। तो हम कारकला पहुंच गए और मैं व्यू दिखाती हूँ यहाँ का, आसपास देखिए कैसा दिखता है। मिशु परेशान है, कहाँ आ गई, मिशु को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देवरानी थे वो पीछे रह गया, शायद आगे थे हमारे से, ये अंदर से लेकर आया ना ऑटो, ऑटो अंदर से लेकर आया। तो और ये आइसक्रीम हब है, यहाँ पे आइसक्रीम खाने आए हम लोग, है ना सुनू। तो हम लोग तो घर से साथ में निकले थे, हम लोग ऑटो में आए थे और देवर देवरानी बाइक में आए थे, बट ऑटो वाले भैया ने अंदर से ले लिया ऑटो, तो वो शायद पीछे रह गए और हम जल्दी आ गए। तो अभी हम वो ज्वाइन करेंगे, हमने बता दिया है कि हम इस जगह पे हैं, तो उन्हें तो पता है कौन सा जगह है ये, तो आराम से आ जाएंगे। तो बोले 5 मिनट पहुँच रहे, तो उनका वेट कर रहे हम लोग यहाँ पे। हम लोग लास्ट टाइम गए थे तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ के ऐसे गए थे, ये अच्छा है। तो आइसक्रीम का नाम क्या है? हाँ, चलो गड़बड़ आइसक्रीम का भी सुनिए, गड़बड़ आइसक्रीम का नाम क्यों? गड़बड़ नहीं आइसक्रीम क्यों? पापा मिशु को देखो ना, मिशु भी खाएगी गड़बड़। मैं जब भी मैंगलोर आती हूँ ना, मैं ये गड़बड़ आइसक्रीम ज़रूर खाती हूँ, बहुत अच्छा होता है, फ्रूट्स वगैरह अंदर होते हैं और सारे फ्लेवर्स मिलते हैं आइसक्रीम में, सारे फ्लेवर्स थोड़ा थोड़ा करके ना डाल के, और इसलिए उसका नाम गड़बड़ रखा, क्योंकि कुछ आए थे कस्टमर्स रेस्टोरेंट में, तो मतलब सारा फ्लेवर ख़त्म हो गया था, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था। तो इन रेस्टोरेंट वालों ने क्या किया ना, सब फ्लेवर को मिक्स करके फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स सब डाल के ना अच्छा सा एक आइसक्रीम बना दिया, तो बहुत पसंद आया कस्टमर को और ये आइसक्रीम बहुत हीट हो गया और तब से इसका नाम पड़ गया गड़बड़। अच्छा, ये मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे देवर है, और ये है मेरी देवरानी। तो हम लोग सब मिलकर अभी आए आइसक्रीम खाने के लिए। फ्राइज विद चीज, चलो हाँ एक दे दो उसके हाथ में, हैव इट। मिशु, इज इट टेस्टी? आइसक्रीम, बड़ी आइसक्रीम। गड़बड़ है?
तो अभी हम आइसक्रीम खाकर ये आइसक्रीम हब से बाहर आए और वहाँ पर देखिए लाइन कितना है, मतलब लोग लाइन में खड़े हैं अंदर जाने के लिए, अंदर पूरा फुल हो गया है, इतना फेमस है ये जगह। और सच में आइसक्रीम बहुत टेस्टी था। ये ऑटो वाले भैया आ गए हमें पिकअप करने, ये हमारे घर के पास ही रहते हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, यहाँ पे सुबह बहुत ठंड रहती है बट दोपहर बहुत गर्मी होती है। मिशू यहाँ देखो, मैं मिशू अब धीरे धीरे इस जगह के साथ एडजस्ट हो रही है। मतलब फर्स्ट 2 डेज तो उसको समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ आ गई, मतलब खाना पीना सब छूट गया था उसका, बहुत अजीब अजीब सा बिहेव कर रही थी, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ पे, अनजान लोग अनजान जगह, सब कुछ डिफरेंट लग रहा था उसे। बट अभी खुश है, अभी थोड़ी फैमिलियर हो गई है और लोगों को पहचानने लगी है, क्योंकि नई नई जगह में होता है ना बच्चे, बहुत टाइम लग जाता है एडजस्ट होने में। और अभी दादी के साथ बहुत ज़्यादा जॉली हो गई है, देखिए बैठी हुई दादी के गोद में। फर्स्ट जो तो बहुत रो रही थी, अभी ठीक हो गई है। अलीना तो दादी के साथ ही चिपकी रहती है। इन तीनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है। रोज काम, सुबह से लेकर रात तक काम काम, लेकिन कर नहीं रहे, मन नहीं कर रहा यहाँ पे काम करने का। सुबह सुबह जाएगी मिशू, क्या हुआ, सब ठीक? बहुत गुस्सा रहा है, बहुत गुस्से वाली है, सब ठीक? किसको बुला रही है मिशू, कब को बुलाओ, ये बहुत रखा हुआ है, बर्ड्स बड़ी बड़ी बुलाओ, बड़ी बड़ी वहाँ पे दाना रखती है मम्मी, तो बर्ड्स बहुत सराता है, देखो यहाँ पे दाना रखती है, अभी नहीं दाना है, आएगा, खाके गया लगता है, खाके गया सब। आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, सुबह सुबह उठ गए हम लोग, अभी सुबह के 7:30 बज रहे होंगे, और मतलब सुबह में ठंड रहती है, रात में भी ठंड रहती है, फिर दोपहर में बहुत गर्मी होती है, तो वही सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है और शाम को भी ठंड हो जाती है यहाँ पे। और ये देखिए ये आसपास हमारा जो है ना, कितना ग्रीनरी है, कितना अच्छा लगता है, ऊपर कोकोनट ट्री है, ये देखिए दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, पूरा कोकोनट से भरा हुआ है ऊपर में, है ना चलो। और लीना तो प्लांट से पानी देती है आजकल, दादी माँ का काम आसान कर दी। हाँ, वो फ्लावर प्लांट को पानी दी है। फ्लावर प्लांट कहाँ, दादी माँ का रुको, देखिए अलीना के हाथ में क्या, ये फ्रेश ऑर्गेनिक काउज मिल्क, कोई मिलावट नहीं है, काउज आता है। हाँ तो वहाँ पे रख देते हैं उसके ऊपर पिलर के ऊपर, और हम लोग सुबह उठा लेते हैं, सुबह ही रखते हैं ना मम्मी, अभी रख के गई होगी ना, आ जाओ तो तुम दादी माँ को दे दो अभी, तो अभी मिशू पिएगी दूध। और यहाँ पर हस्बैंड कोकोनट में से पानी निकाल रहे हैं, कोकोनट वाटर पीना है अभी सुबह सुबह हमें। ठंड है, रेड है, और हम ये बनाने को भी देखो, देखो छोटा छोटा फ्लावर उसके अंदर है ना। मम्मा बर्ड्स के चावल डाल रहे हैं, बर्ड्स के लिए चावल डाल रही हो? हाँ। रुको मम्मा भी आएगी, पहले का चावल खत्म कर दिया ना। हाँ। देखिए सुनो, डाल दी चावल, हाँ छोड़ दो, खा लेगा बड़ी आके अभी, है ना, बहुत सारा बढ़ जाएगा। कम बॉडी, कम बॉडी, अलीना सर्व यू फूड, हैव सम ब्रेकफास्ट बॉडी, पी गई, पी गई मम्मा, बर्ड आ गया, देखिए कितना सारा बर्ड्स आ गया, ये सभी दिख रहा है, चलो चलो चलो, कुछ नहीं होता, नहीं जाएगा, नहीं भागेगा, अभी यहाँ से दिखाएंगे, उड़ गया, उड़ गया, हाँ अभी आप क्यों दे रहे हैं उधर, अच्छा अच्छा आप उधर से शूट करेंगे, दूर से शूट करेंगे, आ गया चलो। यहाँ मैंने मिशू को सुला दिया है, मैं धीरे बात कर रही हूँ और अब चलती हूँ नाश्ता करने, नाश्ता करना है हमें, और किचन के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ बन रहा है नीर डोसा,
तो देखिए यहाँ बन रहा है नीट डोसा, यहाँ चढ़ा है चाय और कुछ बन गया यहाँ पे ऑलरेडी। मम्मी का नीट डोसा परफेक्ट बनता है एकदम देसी स्टाइल में। अब मेरे से कभी नहीं बनता, कभी नहीं बनता, मोटा हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। हाँ ये देखिए यहाँ पे कितना सारा नीट डोसा रेडी हो गया है। ऐसा निकालते हैं, मम्मी बता रही है, मेरे को नहीं आता है ना। हाँ वाह, इसके ऊपर रखकर चिपकता नहीं है, थोड़ी देर बाद फोल्ड कर देंगे, है ना। कभी आप लोगों को नीट डोसा का बैटर शेयर करेंगे कैसा बनता है, अभी सिर्फ कैसा बनता है प्रोसेस देख लो। मेरा तो थोड़ा जम जाता है एक ही जगह, इतना फास्ट फास्ट नहीं होता, उसे कवर करना होता है, हल्का स्टीम में पकता है ना हमें। और यहाँ पे कुछ बाहर से नाश्ता आया है, बंस मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, साथ में ये सांभर है, चटनी है और ये नीट डोसा बन रहा है। तो अलीना अलीना खा रही है, हाँ हाँ सही बोले, अलीना पे बैठ गई, अलीना का ही फेवरेट है एक्चुअली। ये बन बनता है केले से, है ना, केले से बनता है। क्यों भाग रही है, देखो इसका नाश्ता, चटनी ले ली, सांभर चटनी कुछ नहीं, अच्छा लगता है ये बन, स्वीट बन है। हाँ स्वीट बन है, बन नहीं बंस बोलते हैं यहाँ पे, सिंगल कोई बन बोलते है, मतलब ज्यादा भी हो तो बंस ही बोलते है ना हम। हाँ बंस, हाँ नाम बंस है, अच्छा ये बैठ के बोल रहे, नाम ही बंस है। कुछ बोल रहा है एमिशु भाभी, उठ गई मैं सो कर थी, उठ गई तुम, हाँ मिशु को भी खाना का नाश्ता देना है। हाय हाय मिशु, गुड मॉर्निंग मिशु, दो बार गुड मॉर्निंग हो गया मिशु को, दो बार सोके उठ चुकी है। आ जाओ नाश्ता कर लेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये तो सिर्फ चाचू को पहचानती है मिशु ना, किसी के पास नहीं जाती, सिर्फ चाचू के पास जाती है। अभी लो डिस को लो, आएगी आई, खड़े हो जाओ तो आएगी। नहीं आ रही है, आती है वो आराम से आती है। बाय मिशू, टाटा, घूम कर आओ। बाय मिशू, टाटा करो, मम्मा को टाटा करो, मम्मा को टाटा, मिशू बाय बाय, सी यू कल। आप लोग मिशू बंस खाना है, चलो हैव सम बंस। अच्छा यहाँ से किचन है, यहाँ से ना ये किचन का विंडो है, कभी मैं आपको दूंगी यहाँ का होम टूर, आज ही दूंगी। अच्छा देंगे जानू होम टूर, हाँ अच्छा। ओए ओए मिशु खा रही है सेरेलैक, मिशु बैंगलोर में आके अभी सुबह सुबह मिशु का ब्रेकफास्ट हो रहा है सेरेलैक, रवा और दूध बनाकर दिए थे, नहीं खा पा रही है रवा मिशी का। बचपन से इसको बहुत क्यूटली एक्ट करती है। डैडी डैडी की सेम है तो हम लोगों से मिलने कुछ रिलेटिव्स आए थे, उनको पता चला हम आए तो मिलने आए हम लोगों से। एक्चुअली ये इनके कज़िन ब्रदर की बेटी है जो इनके पापा भी कनाडा में है, ये बहुत क्यूटली बात करती है, बहुत क्यूट है। और यहाँ मम्मी जा रही है बैंक, इनको बैंक जाना था कुछ काम से। और ये गाड़ी जो देख रहे हो इनके मतलब मामा का गाड़ी है, मम्मी के भाई का, तो उसमें शायद मामी भी है, तो सब साथ में बैंक जा रहे हैं, कुछ काम है इनको। और इनका मामा का लड़का आया हुआ, जिनके घर गए थे ना हम लोग, पर नानी से मिलाया था, तो वहीं पर ये लोग भी रहते हैं। आई मिस यू, बाय बाय। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में होम टूर का वीडियो दूंगी इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।